गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक तो पूजा सोई है, मैं उठ गया हूँ काफ़ी जल्दी क्योंकि मेरे को जाना है जिम। स्टार्ट ऑफ द डे जिम मिल गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये तो नहीं पता कि मेरे को यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द डे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं जिम के पहले। देखते नीचे कुछ होटल में मिल गया तो वरना सीधा कॉफ़ी पी के वर्कआउट करूँगा एंड फिर आके प्रोटीन लेके थोड़ा देर रेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे को फुल डे अभी एनर्जेटिक रहना है। आज शादी का दिन है तो 100% बहुत थकने वाले हैं क्योंकि 12 बजे से सारे प्रोग्राम शुरू होंगे, संगीत एंड ऑल, एंड फिर उसके बाद रात तक प्रोग्राम चलते ही जाने वाले हैं। अभी मैंने नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की है। अगेन वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने कल मेरा माइक और मोनोपॉड दोनों हमारे वेन्यू लोकेशन पे छोड़ दिया। मैं हमेशा चीज़ें भूलता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मस्त अभी वर्कआउट कर दिया है ख़त्म। अब ज़्यादा थकावट फील हो रही है, अब फिर से नींद आ रही है। पूरा बॉडी मिक्स वर्कआउट लगा है क्योंकि ऑब्वियसली दो तीन दिन से लाइक नॉन स्टॉप वर्कआउट नहीं मिल रहा था तो अभी बॉडी पेन करेगा बहुत ज़्यादा। तो जिम वगैरह सब करके मस्त घर पे आके फ्रेश वगैरह होके अभी हम पहुँच चुके हैं वेन्यू शादी के। संगीत ख़त्म होते ही सीधा घर आके सो गए हम लोग। कुछ रिकॉर्ड करने को टाइम मिला नहीं क्योंकि मैं बाकी सब चीज़ों में पड़ गया था। वहाँ पर कोई एंकर नहीं था तो मैंने ही एंकरिंग शुरू कर दी। फिर थोड़ा डांस किया मैंने भी, बाकी सब ने डांस किया एंड घर आ गए। घर आने के बाद सीधा बेड में घुस गया, इतना थक गया था। अभी नींद से उठा हूँ, अभी फ्रेश वगैरह होएंगे देन रेडी होके शादी के लिए निकलना है। फ्रेश होने से पहले सोचा थोड़ा एक्चुअल में फ्रेश हो जाऊँ, चाय वाय पी लूँ ताकि मेरी नींद अच्छे से उड़े एंड मेरी आँख अच्छे से खुले। तो पहले चाय। तो अभी मैं मस्त रेडी वगैरह हो गया हूँ। मैं ये एक ही कुर्ता लेके आया था एंड यही पहनूंगा अभी मैं शादी में, इसलिए मैं तुमको दूसरे प्रोग्राम्स में वो स्वेटशर्ट और जैकेट पहन के दिखा हुआ होता क्योंकि मैंने कुछ लेके ही नहीं आया था। मैं सोचा था शादी करेंगे बॉय थिंग, बस एक कुर्ता लेके आ गया और कुछ नहीं लेके आया साथ में, बट अभी बस इसी से काम चलाना पड़ेगा।
मेरे लिए तो पहली बार ये राजस्थानी शादी या पहाड़ी शादी है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। राजस्थानी भी है क्या? बहुत मिक्स है मेरे लिए, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ये सब चीज़ें। अरे मेरी नहीं है वैसी शादी, तो मेरे को विवेक बताएगा कि शादी में क्या क्या होता है चीज़ें, क्योंकि इसको ज़्यादा पता है सब चीज़ों के बारे में। आंटी धक्का देके चले गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले वरमाला की रस्म हुई है, जहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को हार पहनाते हैं और जयमाला की जाती है कहीं पे। इसके बाद अब सात फेरों की रस्म होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आप दो तरह की शादी का स्टेट्स का डिफरेंट कल्चर देखेंगे, उत्तराखंड और राजस्थान का। बेसिकली अपना दूसरा टू स्टेट्स। यस, उस टू स्टेट्स में से मैं राजस्थान से हूँ और दूसरी जो कि हम यहाँ पे हैं उत्तराखंड। तो चलो लेट्स गो एंड मीट द मैरिड कपल। अपने बाकी सब दोस्तों के लिए हाय बोल दे। चल सब लोग, नीरज ये लोग सब लोग ये व्लॉग के थ्रू तेरा शादी देख रहे हैं, ठीक है? मेरे को अपने नीरज ने मैसेज किया, बोला आ तो नहीं पाया लेकिन व्लॉग देखूंगा पूरा शादी का, मतलब कॉल करेगा तेरे को बाद में। सबको हाय बोल दे। तो अभी फेरों वेरों की तो रस्म हो गई कंप्लीट, फोटोज एंड ऑल भी निकाल लिए हम लोग ने। अभी खाने के मूड में आ गए सब के सब। क्या खा रहे हो तुम लोग अभी? पान। कौन सा पान? हम मीठा पान खाएंगे, नेचुरल। अच्छा, नेचुरली खाते हैं पान? नहीं, उसके अंदर अगर टोबैको और वो सब रहता है। अच्छा, नहीं वो सब चीज़ें तो कोई नहीं खाते। ये ड्रोन वाला तब से बहुत ज़्यादा डर आ रहा है। इतना सब कुछ है खाने के लिए, क्या क्या लू समझ में नहीं आ रहा। दाल मखनी किधर थी? दाल बहुत।